जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर हिजाब पर जमकर हंगामा चल रहा है। बाल मुकुंदाचार्य के बयान के विरोध में मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर उतर आई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। छात्राओं और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सुभाष चौक थाने को घेर लिया गया है। सैकड़ों की संख्या में सुभाष चौक सर्किल पर लोग इकट्ठा हुए हैं। पुलिस ने फिलहाल ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक पहुंच रहा था, जो लोग पहुंच रहे थे, उन्हें भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस को काफी मशक्कत। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य का बयान, कहा स्कूल में मुझे दो तरह का माहौल नजर आया, हिजाब और बिना हिजाब का। यदि बच्चे बिना ड्रेस कोड में आएंगे तो स्कूल कैसे चलेगा, लेकिन कुछ लोग राजनीति करते हैं वो बाज नहीं आती। स्कूल के बच्चे को ड्रेस कोड के हिसाब से आना चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। जब 26 जनवरी का प्रोग्राम हो या वार्षिक उत्सव हो, सरकारी स्कूल से संबंधित सरकारी कोई कार्यक्रम भी हो, स्कूल का कार्यक्रम हो, प्राइवेट कार्यक्रम नहीं था, तो दो प्रकार की पोशाक का अपने यहाँ प्रावधान है क्या? बोले नहीं है साहब, मानते नहीं हैं। तो उस विषय पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की, 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियाँ या तो हिजाब में थी या बुरके में थी, तो दो प्रकार का वहाँ माहौल नज़र आ रहा था। तो मैंने मैडम से ज़रूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा और धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे भी बच्चे बच्चियाँ कल को लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। जब स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है, और बच्चियों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है। इस बात पर वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था, और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखें और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है, उन लोगों का ये स्वभाव हो गया है कि बिना बात की बात बनाकर और इस प्रकार की करना, लेकिन बातों से कतई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल बिल्कुल वाजिब है। जब स्कूल सरकारी विद्यालय का अपना एक ड्रेस कोड बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उस अनुरूप सारा अध्ययन हो रहा है, उस अनुरूप वहाँ नियम कायदा है, स्कूल होता किस लिए फिर? नियम सिखाने के लिए। और वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण जो बना रखा था, वो थोड़ा सा विचारणीय है। विद्यालय में मैंने विद्यालय की प्रिंसिपल महोदय सबसे पूछा गया था कि मैडम दो प्रकार की ड्रेस कोड है क्या अपने यहाँ? जब 26 जनवरी का प्रोग्राम हो या वार्षिक उत्सव हो, सरकारी स्कूल से संबंधित सरकारी कोई कार्यक्रम भी हो, स्कूल का कार्यक्रम हो, प्राइवेट कार्यक्रम नहीं था, तो दो प्रकार की पोशाक का अपने यहाँ प्रावधान है क्या? बोले नहीं है साहब, मानते नहीं हैं। तो उस विषय पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की, 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियाँ या तो हिजाब में थी या बुरके में थी, तो दो प्रकार का वहाँ माहौल नज़र आ रहा था। तो मैंने मैडम से ज़रूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा और धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे भी बच्चे बच्चियाँ कल को लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। जब स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है, और बच्चियों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है। इस बात पे वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था, और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखें और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है, उन लोगों का ये स्वभाव हो गया है कि बिना बात की बात बनाकर और इस प्रकार की करना, लेकिन बातों से कतई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल बिल्कुल वाजिब है। जब स्कूल सरकारी विद्यालय का अपना एक ड्रेस कोड बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उस अनुरूप सारा अध्ययन हो रहा है, उस अनुरूप वहाँ नियम कायदा है, स्कूल होता किस लिए फिर? नियम सिखाने के लिए। और वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण जो बना रखा था, वो थोड़ा सा विचारणीय है। छात्राओं का कहना है कि वो कह रही है कि आप जबरदस्ती श्री राम के नारे लगवा रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ, भारत माता की जय, गलत है। मैंने कहा हम सब मिलकर भारत माता की जय बोलें। उनको ये भी समझाया कि भारत ये देश है, माता ये धरती है, जिस धरती पर आपका हमारा रहना है वो हमारी माँ की भी माँ है, तो इसका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। सरस्वती का स्कूल है, सरस्वती की मूर्ति लगी है, सरस्वती की अर्चन हुई है, दीपक जलाया गया है, सरस्वती का अर्चन करेंगे, सरस्वती का श्लोक बोलेंगे, उस पर भी आपत्ति है? भाई ये क्या बात हुई? वो विद्यालय जो है, उस विद्यालय में सबके लिए नियम बराबर है साहब। आप विद्यालय में सरस्वती की प्रार्थना नहीं करोगे, आप विद्यालय में आप अपने देवता का स्मरण करते हुए पाठ, तो कल को बुक्स भी हटवा देंगे, बुक्स भी बदलवा देंगे, बुक्स के चित्र भी बदलवा देंगे। ये बाजी बातें नहीं। हिजाब पहन के ना आए आप ये कह रहे हैं?
वहाँ स्कूल का जो ड्रेस है उसके हिसाब से आना चाहिए ना। स्कूल में दो प्रकार की ड्रेस कोड क्यों? एक आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी के मदरसों में तो मैं जाके ये नहीं बोला कि मदरसों का ड्रेस बदल दो, ठीक है, एक ही मदरसों में भी गया हूँ ना मैं, वहां तो नहीं बोला मैंने ऐसा, वहां का नियम है, उस नियम अनुरूप होना चाहिए। स्कूल का जो ड्रेस कोड है उसमें होना चाहिए, उसमें आपत्ति कहाँ है? ठीक है, एक ये बीजेपी के केंद्रीय नेता बड़े कह रहे हैं कि 7 दिन में CAA लागू होने जा रहा है, आपका क्या कहना है इस पे? अच्छी बात है, जब भाजपा का सुशासन ही सुशासन राज है और उसी के लिए पूरी व्यवस्था लोगों ने चुनी है कि, और भाजपा पर विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास, उनके काम पर विश्वास है, आदरणीय भजन लाल जी के ऐतिहासिक फैसलों पर पूर्णतः समर्थन है, तो समय अनुरूप जो आवश्यकता है वो काम होने चाहिए। बाकी तो सरकार की अपने स्वयं के सब राय मशवरे से सारे काम संभव हो रहे हैं, तो जो आवश्यकता वो काम होने चाहिए। ठीक है, बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।